गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एक्टिविटी 3, 4. ओके एंड सो टूडे विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट एक्टिविटी, डेट इज एक्टिविटी नंबर 5 ऑन द पेज नंबर 71 ऑफ चैप्टर नंबर 6, डेट इज केयरफुल एनालिसिस. First of all, it is given here that share your interpretation of the advertisement with two classmates. यानी आपको अपना interpretation जो है वो आपको किसी दो classmates के साथ share करना है, खुद का कोई advertisement. Okay, जो ये जो activity 1 and activity 3 में जो आपको दिया हुआ है ना advertisement, उसके बारे में आपको यहाँ पे describe करना है. And so फिल आउट द टेबल बेस्ड ऑन वॉट यू हियर फ्रॉम योर क्लासमेट. फिर आपको एक टेबल फिलअप करना है जो आपने अपने जो है फ्रेंड या क्लासमेट से सुना होगा. सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है राइटर्स नेम और ब्रैकेट में दिया है क्लासमेट, तो आप कोई भी अपने क्लासमेट का नाम या फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ पे लिखा है पहला मेहुल एंड नेक्स्ट लिखा है रुत्विज. नेक्स्ट है कि दस राइटर डिस्क्राइब द एड जनरली. क्या राइटर ने ये जो एड डिस्क्राइब किया है क्या वो काफ़ी जनरली तरह तरह से किया है, तो आप लिख सकते हो येस और नेक्स्ट लिख सकते हो नो. या आप ऊपर नो लिख सकते हो या नीचे येस लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट है व्हाट डज द राइटर थिंक द एड इज सेलिंग. अब आपको क्या लगता है कि जो राइटर है वो एड को किस तरीके से वो मतलब क्या बेचना क्या चाहता है, ठीक है, सेल यानी क्या बेचना चाहता है, उसका मेन पर्पस क्या है इस एड का बताने का. तो उसका मेन पर्पस जो है आप लिख सकते हो टी शर्ट, जो फर्स्ट एक्टिविटी नंबर 1 में आपने देखा होगा रेड टी शर्ट पहनी हुई थी उस टीनेजर ने, ठीक है, उस लड़के ने. देन नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हो, तो दूसरा आपके फ्रेंड को लगा कि वो किसका क्या बेचना चाहता है, शूज़, ठीक है. देन वॉट फीलिंग्स एंड थाट्स इज द एड ट्राइंग टू क्रिएट. अब क्या फीलिंग्स और क्या थाट्स ये जो एड है, ठीक है, जो आपने एक्टिविटी नंबर 1 में आपने देखा है, तो वो क्या ट्राई कर रहे हैं, क्या क्रिएट करने का, क्या फीलिंग्स और क्या थाट्स वो मतलब क्रिएट करना चाहते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. तो आप लिख सकते, आपको क्या लिखना है, कलरफुल टी शर्ट डेट नेवर फेड्स एंड कैन बी वॉर्न इवन फॉर टफेस्ट टास्क. यानी कि कलरफुल जो टी शर्ट है उसे वो एक ऐसा टी शर्ट है जो कभी भी फेडेड नहीं होगा, यानी का उसका जो कलर है वो मतलब ज़्यादा लाइट नहीं होगा. और आप इसे कहीं कहीं पर भी पहन सकते हो, और जो अगर आपका कोई चैलेंजिंग टास्क आपको मिला है, मुश्किल से मुश्किल टास्क में भी आप ये एक नॉर्मल यानी कि कैजुअल टी शर्ट आप ये पहन के जा सकते हो. ये एक फ्रेंड ने कहा. दूसरे फ्रेंड ने क्या कहा कि शूज़ आर सो टफ डैट इवन ऑन रॉकी लैंड, रॉकी लैंड इन द सेंस पथरीली ज़मीन, दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज दे आर ऑन प्लेन. यानी कि जो शूज़ है वो इतने ज़्यादा मतलब अगर वो टफ है तो क्या है कि जो पथरीली ज़मीन है उस पर आप अगर आप वॉक कर रहे हो तो आपके जो शूज़ है वो इतने ज़्यादा टफ है, इतने ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, कि वो इतने हिली एरिया में भी वो यानी कि जो रॉकी लैंड है उसमें भी वो आसानी से चल पा रहे हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट है व्हाट एविडेंस डज द राइटर गिव. अब राइटर जो है वो क्या एविडेंस यहाँ पे बताया गया है, क्या सबूत दिया गया है इस एड में. तो आप लिख सकते हो कि रेड टी शर्ट दैट द बॉय हैज़ पुट ऑन. यानी कि रेड टी शर्ट आपने देखा होगा फर्स्ट एक्टिविटी में, ध्यान से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रेड टी शर्ट आपको दिखेगी कि लड़के ने क्या पहना है. ओके नेक्स्ट है द बॉय इज शोन क्लाइंबिंग द रॉक्स विद शूज ऑन. अब दूसरा जो है वो क्या बोल रहा है कि उसने देखा कि जो लड़का है वो क्लाइंब करते हुए रॉक पे यानी जो पत्थर है उस पर वो चल रहा है, और क्या पहना हुआ है नीचे, उसने शूज पहना हुआ है. ओके शूज पहनकर वो क्लाइंब कर रहा है. नेक्स्ट है हाउ इज द राइटर्स इंटरप्रिटेशन डिफरेंट फ्रॉम माइन. अब राइटर का इंटरप्रिटेशन मेरे इंटरप्रिटेशन से कितना डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो. सो आई थिंक द एड शोज दैट लाइक डिफरेंट कलर्स इन द एड टी शर्ट्स ऑफ अ वाइड कलर रेंज आर अवेलेबल. यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एड है वो क्या बता रही है, क्या शो क्या करना चाहती है, ये शो किया जा रहा है कि जो अलग अलग कलर्स जो है आप एड के लिए अलग अलग कलर्स के रेंजेस में आप पहन सकते हो और आपको वो मिल भी सकता है, ठीक है.
नेक्स्ट है, आई थिंक इट इज नॉट द टफनेस ऑफ शूज दैट इज सजेस्टेड बट इट इज देयर एवर राइजिंग सेल विथ कैप्शन लाइन एंड एड लाइन. यानी कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो शूज है वो इतने ज़्यादा टफ है और मतलब कि लेकिन जैसे जैसे मतलब सेल बढ़ेगी, ठीक है, तो जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी इसका जो मेन पर्पस क्या है, कैप्शन लाइन और एड लाइन पे ही अगर आप फोकस करोगे तो उस पर ज़्यादा मतलब कि इंटरप्रेट किया गया, बताया गया कि वो जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें प्रोग्रेस के बारे में बात की है. अनसीजिंग प्रोग्रेस, अनसीजिंग प्रोग्रेस मतलब अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस होती है. जैसे जैसे आप आगे यानी कि अगर आप क्लाइंब, वो जो लड़का था वो क्लाइंब कर रहा था रॉक पे, ओके, तो आपको मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है. सो मेन फोकस इसी पे किया गया था, कैप्शन लाइन पे और एड लाइन पे. ओके, नाउ अंडरस्टूड. सो इस तरीके से आपको ये टेबल को फिलअप करना है. नाउ टेक अवर नेक्स्ट एक्टिविटी, डेट इज एक्टिविटी नंबर 6 एंड नेक्स्ट पेज नंबर 72. एक्टिविटी 6, एवरीथिंग इज मोर इंटरेस्टिंग इफ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली. अब सारी चीजें हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी अगर हम उस चीजों को ज्यादा क्लोजली देखेंगे तो. वी कैन इवन एनालाइज अ पोएम द लर्न मोर अबाउट इट. यानी कि हम अगर एक अहम जो है सिर्फ पिक्चर को ही एनालाइज नहीं कर सकते, हम एक पोएम को भी डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी या नॉलेज गेन कर सकते हैं. सो रीड द पोएम वेटिंग फॉर द पीकॉक. अब यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, दैट इज वेटिंग फॉर द पीकॉक. द नोट्स विल हेल्प यू टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम सो यू कैन सी हाउ इट इज रिटन. यानी कि जो नोट्स है इस पोएम में, जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ड्स दिया है उससे आप आसानी से इजिली उस पोएम का जो स्ट्रक्चर है उसको आप एनालाइज कर सकते हो, ओके, और देख सकते हो कि किस तरीके से ये पोएम लिखी गई है. सबसे पहले आप यहाँ पे एक लिखा है, हाउ इज वेटिंग फॉर अ पीकॉक टू डांस लाइक वेटिंग फॉर अ सिक्स इन क्रिकेट. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन किस चीज़ का किया है कि एक वेटिंग फॉर अ पीकॉक, यानी कि पीकॉक जो है वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है. किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? वो यहाँ पे बारिश होने का इंतज़ार कर रहा है, यानी कि रेन वाटर का, बारिश का बेसब्री से उसको इंतज़ार है. और वो ताकि अगर बारिश होगी तो क्या कर पाएगा, डांस कर पाएगा, ओके. और वही सेम चीज़ किसके साथ कंपेयर की गई है, लाइक वेटिंग फॉर अ सिक्स इन क्रिकेट. यानी कि जब एक सिक्स लगता है, क्रिकेट जो स्टेडियम है, जब कोई सचिन है या धोनी है, जब वो सिक्स मार, मतलब सिक्स मारने के लिए लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, समझ में आया? तो उस बारे में आपको यहाँ पे इस पोएम में बताया गया है. सो वेटिंग फॉर द पीकॉक, टाइटल क्या है पोएम का, वेटिंग फॉर किसके लिए, पीकॉक के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम नाउ. वेटिंग फॉर द पीकॉक इज लाइक वेटिंग फॉर सचिन टू हिट अ सिक्स. यानी कि हम मतलब कि वेटिंग फॉर द पीकॉक, जैसे पीकॉक जो है वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब बारिश हो, कब मैं डांस करूँ, वैसे ही सेम जो वेटिंग जो है फॉर सचिन, लोग जो है वहाँ पे वेट कर रहे हैं सचिन का, ताकि वो क्या हिट कर सके, सिक्स मार सके, समझ में आया? देन ब्लाइंडेड बाय स्टेडियम लाइट्स, दिवाली लाइक क्रस्ट बाय कजिन्स. इसका मतलब क्या है कि वहाँ के जो पूरा जो स्टेडियम है वहाँ पे लोग जो है इस तरीके से बैठे हुए हैं, ओके, ब्लाइंडेड इन द सेंस कि काफ़ी मतलब प्रिवेंटेड टू सी फॉर अ शॉर्ट टाइम, काफ़ी कम समय के लिए लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ओके. स्टेडियम में लाइट्स लगी हुई, और ऐसी लाइट्स लगी हुई है जैसे दिवाली की तरह लाइट्स लगी हुई है. और जो कजिन्स है, ठीक है, और वो कजिन्स जो है वो एक तरह मतलब लोग बैठे हुए हैं बेसब्री से इंतज़ार करते हुए कि कब सचिन आए और वो क्या करे, सिक्स मारे, ओके, हिट करे सिक्स. देन कोल्ड टर्निंग हॉट, स्टिकी स्वीट कॉक, कंडेंसिंग ऑन माय डर्टी हैंड्स. इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो कोक है, ठीक है, वहाँ कोक का एक जो बॉटल है वो एक्चुअली कोल्ड था,
कोल्ड से बदल कर क्या हो गया, हॉट, गर्मी में चेंज हो, गर्म में चेंज हो गया। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो कोक है अगर आप उसको पियोगे तो क्या होगा, आपकी हैंड्स पे चिपचिपाट करेगा और उसका टेस्ट क्या है, स्वीट है, किसकी तरह, कोक की तरह स्वीट है। ठीक है, तो कंडेंसिंग ऑन डर्टी हैंड, कंडेंसिंग का मीनिंग क्या होता है, कंडेंसिंग मीन्स विच इज चेंजिंग, एक चेंजिंग फॉर्म में अभी बताया जा रहा है, जो किस में चेंज हो गया, कोल्ड से हॉट में हो गया, यानी कि ठंडे से गर्म हो गया, और काफी स्टिकी, यानी कि किसी के हाथ पे कोई अगर कोई मीठी चीज होती है, कोई जूस होता है, ओके, वो क्या होता है, चिप्पी चिप्पी जैसा लगता है, वो किस, वो आपके हाथों को गंदा कर देता है, स्टिकी स्टिकी जैसा, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में एक्चुअली क्या दिया है, आपको बताया गया है, स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस तरीके से इस पोयम को लिखा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के साइड में लिखा है कि वेटिंग फॉर अ पीकॉक टू डांस इज लाइक वेटिंग फॉर, तो आपको ये लिखना है कि अ हिट ऑफ सिक्स बाय सचिन, पीकॉक वेट कर रहा है डांस के लिए, और उसी तरीके से जो सचिन है लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब सचिन आए और वो सिक्स मारे। ठीक है, एंड देन पोएट यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहा है, पोएट जो है वो कंपेयर कर रहा है वेटिंग को फॉर द पीकॉक से टू वेटिंग, ताकि किस चीज़ का वेट कर रहा है कि टू सी सचिन के, लोग यहाँ पे बेस अपनी क्यूरोसिटी, काफी क्यूरोसिटी से लोग वेट कर रहे हैं कि कब सचिन आए और वो खेले। ठीक है, तो कौन से वर्ड्स जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं क्रिकेट मैच को, तो आपको यहाँ पे आएगा हिट, सिक्स और स्टेडियम, ये हिट सिक्स और स्टेडियम जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या, क्रिकेट मैच को। ठीक है, सोर एंड स्लीपी, टू होपफुल टू लीव, टू सून टिल, लुक डिड यू सी इट, यस इन प्लूम्स ऑफ सिल्वर ब्लू एंड ग्रीन। सो इसका मतलब क्या है, सोर का मतलब क्या होता है, एंग्री। ठीक है, यानी कि लोग जो है वहां पे काफी होपफुल, यानी इतनी आशा रखते हैं कि उन लोगों को वहां पे मतलब थोड़ा सा स्लीपी जैसा नींद, मतलब काफी लेजी एंड काफी गुस्सा भी करते हैं, लोगों का मन करता है कि वो यहाँ से उठ के चले जाए। ठीक है, स्टेडियम से उठ के वहां से चले जाए, और जैसे ही जाने वाले होते हैं फाइनली क्या होता है कि सचिन आता है और वो सिक्स मारता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि टिल लुक डिड यू सी इट, यस। तो लास्ट में क्या होता है, वो पूछ रहा है कि तुमने देखा क्या कि सचिन ने क्या किया, सिक्स हिट किया, और उसी तरीके से लास्ट में फाइनली जो पिकॉक है वो वेट करता है बारिश का, और बारिश आ जाती है, और इस तरीके से जैसे ही बारिश आती है जो पिकॉक है वो अपने पंख फैलाते हुए, जो मतलब कि जैसे वो डांस करता है तो काफी ज्यादा फैंटास्टिक और काफी प्लेजिंग लगता है, सुंदर लगता है कि जैसे वो डांस कर रहा है, अपने पूरे फेदर्स, प्लूम्स का मतलब क्या होता है, लार्ज फेदर्स, किसके, पिकॉक के। ठीक है, जो वो काफी शेक करता है, ठीक है, उसके जो फेदर्स है वो शेक कर रहे होते हैं, और किस तरीके से कौन से कलर में लगते हैं, वो दूर से ही सिल्वर ब्लू एंड ग्रीन कलर के लगते हैं, और इतना शाइन करते हैं बारिश में, जब पीकॉक अपने पंख फैलाता है तो उसके जो फेदर्स होते हैं वो ऐसे शाइन करते हैं। समझ में आया, तो उसी तरीके से लास्ट में फाइनली सचिन का हिट भी लग जाता है सिक्स, और लास्ट में पीकॉक जो है उसको वो बारिश आ जाती है तो वो खुशी से नाचने लगता है। ठीक है, समझ में आया। सो ये थी पोयम। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि द पोएट यूजेस कॉन्क्रीट वर्ड्स टू गिव द फीलिंग ऑफ वेटिंग, यानी कि पोएट ने यहाँ पे यूज किया है कौन से वर्ड्स, कॉन्क्रीट वर्ड्स, कॉन्क्रीट वर्ड्स यानी काफी खूबसूरत वर्ड्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, यूज किया हुआ है, किस किस चीज का फीलिंग बताते हुए, वेटिंग का फीलिंग बताते हुए, जैसे यहाँ पे यूज किया है कोल्ड जो है वो टर्निंग हो गया हॉट में, वेट हो गया ना, कि जो चीजें ठंडी थी वो अभी गर्म हो गई, देन और क्या हो सकता है, स्टिकी, ठीक है, स्टिकी हो गया है, देन कंडेंसिंग ऑन डर्टी हैंड्स लिख सकते हो, फिर सोर एंड स्लीपी, टू होपफुल टू लीव, टू सून, ये सारे ब्यूटीफुल वर्ड्स जो है क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ वेटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि अंटिल फाइनली द पोएट टेल्स व्हाट इज सेड व्हेन द पीकॉक डांसेस एंड फाइनली
वॉट इट लुक्स लाइक, तो वही मैंने जैसे बताया कि लास्ट में फाइनली पोएट यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसी बारिश होती है पीकॉक काफी डांस करता है फैंटास्टिकली और काफी सुंदर दृश्य लगता है वो देखना कि किस तरीके से पीकॉक डांस करता है एंड फाइनली किस तरीके से वो दिखाई देता है, तो वो मैंने बताया है कि उसके तो फैदर्स है वो स्प्रेड करता है लाइक मतलब कि ऑलमोस्ट अ सर्कल की तरह, और उसके जो फैदर्स है वो इतने सुंदर लगते हैं और कौन से कलर शाइन करते हैं, कौन से कलर में, सिल्वर ब्लू एंड ग्रीन। ओके सो वो यही चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 73, एक्टिविटी नंबर 7, यूज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम वेटिंग फॉर द पीकॉक टू हेल्प यू राइट योर ओन पोयम अबाउट वेटिंग फॉर समथिंग एंड हियर इज वन एग्जाम्पल। आपको इस पोयम जो है वेटिंग फॉर द पीकॉक उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं पोयम वो बताया गया है, और आप अपनी खुद की पोयम क्रिएट कर सकते हो कैसे अबाउट, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पोयम किस तरीके से लिखनी है, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया। ये जो पूरा जो दिया हुआ है ये पूरा पैटर्न दिया हुआ है कि किस तरीके से आप अपनी खुद की पोएम खुद क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, पहला है वेटिंग फॉर डैश है तो किस चीज़ का वेट, तो आएगा विहान का। क्या विहान का वेट कर रहे हो, विहान जो है आपका एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो इस पोएम में ये बताया गया है कि एक फ्रेंड जो है वो दूसरे फ्रेंड का वेट कर रहा होता है, क्या नाम है उसका, विहान। देन वेटिंग फॉर अ डैश इज लाइक वेटिंग फॉर डैश, तो ये आपको लिखना है कि वेटिंग किस लिए, वेटिंग फॉर अ विजिट फ्रॉम किसका, माई वेरी बेस्ट फ्रेंड का। वो यहाँ पे वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे घर पे आ सके, और किस तरीके का वेटिंग हो रहा है, इज लाइक वेटिंग इन माई रूम। वो कहाँ पे वेट कर रहा है, अपने रूम में। पेसिंग, पेसिंग इन द सेंस जो बिल्कुल ही वॉक इन अ स्टेडी स्पीड, यानी काफी स्लोली स्लोली धीरे धीरे वो चल मतलब वॉक कर रहा है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ इन प्रेजेंट, यानी कि वो अपने आप को आगे और पीछे और बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहा है। ड्यूरिंग मानसून, कब कर रहा है, क्योंकि बाहर क्या है बारिश हो रही होती है, इस वजह से वो मतलब इधर धीरे धीरे वॉक कर रहा है और आगे पीछे और अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। थंडर क्रशेस द विंड पिक्स अप माई बाइसिकल एंड हर्ल्स इट, तो अब क्या होता है कि इतनी जोर का बिजली जो है वो गरजती है, तूफान आता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो विंड है नहीं, जो हवा है इतना जोर से आती है कि जिस वजह से उसने मेरी बाइसिकल को उठा के एकदम पटक दिया, मतलब उछाल के उसने बिल्कुल मेरी बाइसिकल को क्या कर दिया, दूर एकदम जाके उछाल के उसको वहां पे मतलब पटक दिया। समझ में आया, देन तो आपको ऐसे यूज करना है सेवरल लाइंस जो क्या डिस्क्राइब करेंगे, वेटिंग फॉर इस लाइक, तो ताकि आप ऐसे कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज कर सको ताकि टू इवोक इमेजेस। ठीक है, यानी बिल्कुल अलग और बिल्कुल यूनिक आपको ऐसे वर्ड्स यूज करना है, खूबसूरत वर्ड्स यूज करना है जो वेटिंग का मतलब कि वेटिंग के बारे में बताया जा रहा हो। नेक्स्ट आपको यूज करना है 3 सेंटेंसेस या फ्रेसेस यूज करना है ताकि जो स्प्रेड कर सके ओवर 5 लाइन्स, क्या डिस्क्राइब कर सके, वेटिंग का। तो आपको आप क्या लिखोगे कि जो स्मेल है ऑफ रेन थ्रू द विंडो, यानी जो स्मेल आती है ना जब बारिश होती है, तो बारिश के टाइम पे क्या होता है, मिट्टी की स्मेल आती है, और वो कहाँ से आ रही होती है, विंडो से। एंड आई एम ट्रैप्ड बिहाइंड अ वॉल ऑफ फॉलिंग वाटर, और मैं कहाँ पे फंसा हुआ हूँ, ट्रैप्ड यानी कि फंसा हुआ, तो मैं फंस गया किसके, कहाँ पे फंस गया, एक दीवार के पीछे जाके फंस गया जहाँ पे पानी जो है वो गिर रहा है। देन विदाउट फैन फेयर द वर्ल्ड इज सडनली साइलेंट, और बिना किसी धूमधाम से पूरा जो वर्ल्ड है, यानी जब बारिश हो जाती है पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरा साइलेंट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर जब बारिश कम होने लगती है तब इसके बाद क्या होता है, चेंज टू डायलॉग, यानी कि टिल नॉक केम छो आवो एंड विहान रशेस इन विद अ वाइड स्माइल एंड वी एस्केप इन टू सनशाइन। तो लास्ट लाइन में आपको बताना है कि वेटिंग कैसे एंड हो रहा है, तो आपने ये देखा कि जैसी बारिश बंद हुई तो दरवाजे पे नॉक नॉक हुआ, और अच्छा और फिर वो आया कौन, विहान, और क्या बोला कि केम छो
और फिर उस फिर केम छो किसने कहा, उसके फ्रेंड ने कहा कि केम छो आओ आओ, मतलब अंदर आओ। और विहंग जो है फटाफट अंदर आता है बहुत ही बड़ी स्माइल में, ठीक है। और फिर वो दोनों के दोनों कहाँ चले जाते हैं, सनशाइन, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के बाद क्या होता है, रेनबो, और दोबारा धूप आने लगती है। और फिर इसी तरीके से वो दोनों के दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो जैसे सनशाइन हुआ दोनों बाहर भाग जाते हैं, ठीक है, एस्केप कर देते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये पोएम खुद क्रिएट करनी है और लिखनी है। समझ में आया? नेक्स्ट आपको क्या दिया है, वॉट विल यू बी वेटिंग फॉर इन योर पोएम, वॉट विल यू से द वेटिंग इज लाइक। अब आपको खुद की पोएम खुद लिखनी है कि किस चीज का वेट कर रहे हो और वेटिंग किस तरह का है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा वो मैं आपको बताती हूँ साथ में। नेक्स्ट है कि योर पोएम विल डिस्क्राइब द थिंग दैट द वेटिंग इज लाइक। आपकी पोएम जो है वो डिस्क्राइब करेगी कि वेटिंग किस तरह का है। तो आपको करीब 10 कॉन्क्रीट नाउन्स लिखने हैं जो फॉर द थिंग विल यू डिस्क्राइब, जो भी चीज़ों के बारे में आपको 10 कॉन्क्रीट वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, जो पोएम में से आपको 10 कॉन्क्रीट वर्ड्स लिखने हैं, ओके, जो डिस्क्राइब कर सके क्या कि वेटिंग किस तरह का है। ये दोनों चीजें आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ वेट। सो इसका आंसर ये आएगा कि व्हाट विल यू बी वेटिंग फॉर इन योर पोएम, व्हाट विल यू से द वेटिंग इज लाइक। तो आप अपनी पोएम खुद बनाओगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन माय पोएम आई विल बी वेटिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट ईमेल फ्रॉम समवन। मैं किस मेरे पोएम में मैं किसका वेट कर रहा हूँ, एक ईमेल का वेट कर रहा हूँ जो मुझे किसी से आना, मतलब मिलना चाहिए है। वे मे इट बी फ्रॉम माई क्लोज फ्रेंड और फ्रॉम द वन हु इज इमोशनली इंटीग्रेटेड टू मी। और वो किसका हो है, ई मेल में किसका वेट कर रहा हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा, आप दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंटीग्रेटेड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है मेरे साथ। द वेटिंग इज लाइक, अ वेटिंग किस तरह से है, द वेटिंग ऑफ अ पैड क्रेस्टेड बर्ड, जो जिसे हम कहा जाता है चाटक, हुज थ्रोट हैज ड्राइड अप एंड इट्स आईज हैव बीन एग्जॉस्टेड आफ्टर स्ट्रेनिंग देम लॉन्ग फॉर रेन वाटर फ्रॉम क्लाउड्स। तो इसका मतलब ये है कि वेटिंग किस तरह का है, वेटिंग जो एक पाइड क्रेस्टेड बर्ड है जिसको कहा जाएगा हिंदी में चाटक, और जिसका गला जो है वो बिल्कुल सूख जाता है, और उसकी आईज जो है एग्जॉस्टेड, मतलब थकी हुई होती है, और आफ्टर स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग मतलब कि तनाव भरी उसकी आंखें जो है, स्ट्रेनिंग के बाद वो कहाँ क्या होता है, एंड लॉन्ग फॉर रेन वाटर, मतलब कि वो वेट कर रहे हैं कि कब बारिश जो है वो क्लाउड से, इन बादलों से गिरे, बारिश आ सके। द वेटिंग इज सच दैट माई पेशेंस हैज ऑलमोस्ट रन आउट एंड माई हार्ट बीट हैव स्टार्टेड गेटिंग अनस्टेबल। अब क्या होता है कि उसके जो वेटिंग जो है उसका पेशेंस बिल्कुल मतलब ख़त्म हो रहा है, लिमिट के बाहर जा रहा है इस वजह से, और उसकी जो हार्ट बीट है किसकी, इस बर्ड की, ठीक है, इसकी जो बर्ड की हार्ट बीट है वो धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगती है, यानी अस्थिर होने लगती है, ठीक है। और वाइल वेटिंग फॉर ईमेल, और फिर इसके बाद कंपेयर किया गया कि जैसे वो वेट कर रहे हैं अपने ईमेल का, आई हैव बीन ब्राउजिंग ऑन द नेट इन वेन एंड डिसअपॉइंटमेंट ओवरकम्स मी। इसका मतलब क्या है कि वो वेट कर रहा है ईमेल का कि मेरे फ्रेंड का आएगा, तब तक वो क्या करते हैं नेट में और ज़्यादा सर्फिंग और ज़्यादा ब्राउजिंग करता है। इन वेन, वेन मतलब काफ़ी व्यर्थ में, काफ़ी यूजलेस टाइम में, मतलब कि तब वो ये सारी चीज़ें जो है ब्राउजिंग करता है नेट में। और फिर है डिसअपॉइंटमेंट ओवरकम्स मी, इसका मतलब कि निराशा जो है मुझ पर हावी हो रही थी, जो निराशा है उसके ऊपर हावी हो रही थी कि मेरे फ्रेंड का अभी तक ईमेल नहीं आया, या फिर आप कह सकते हो कि जो चाटक है अभी तो वो बारिश नहीं हो पाई, इस वजह से वो क्या है, इस वजह से वो मतलब इंतज़ार कर रही है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है कि योर पोएम विल डिस्क्राइब द थिंग दैट द वेटिंग इज लाइक, कि पोएम डिस्क्राइब करेगी किस चीज़ का वेट कर रहे हो, किस तरीके से वेट कर रहे हो, उसके 10 कॉन्क्रीट वर्ड्स आपको लिखना है। देन इसका आंसर आएगा कि द वेटिंग इज लाइक द वेटिंग ऑफ चाटक बर्ड फॉर रेन वाटर। वेटिंग इस तरह का है कि जो हम इंतज़ार करते हैं कि कब चाटक बर्ड जो है, जैसे चाटक बर्ड जो है वो बारिश के पानी का वेट करता है, ठीक है,
तो इट इज सेड या बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि चार्टक बर्ड जो है नेवर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज, यानी कि ये जो चार्टक है कभी भी वो मतलब पानी, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो पानी नहीं पीती है, ठीक है, नहीं पानी नहीं पीती है, कभी नहीं पीती है, कहाँ से, फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, यानी कि जो भी वाटर बॉडीज है जैसे लेक है, स्ट्रीम है, देन रिवर है, ठीक है, इन सभी वाटर बॉडीज से वो पानी नहीं पीती है, या दूसरा कोई भी सोर्स है उससे पानी वो नहीं पीती, कौन, चाटक। चाटक जो है वो वेट वेट्स फॉर क्लाउड्स टू गैदर इन द स्काई, जो चाटक है वो वेट कर रहा है कि कब बादल जो है एक दूसरे के साथ मतलब कि गैदर्ड हो, काले बादल हो, एंड फिर उसके बाद प्योर वाटर टू स्क्वेंच इट्स थर्स्ट, यानी कि और कब पानी जो है नीचे आएगा और फिर मैं कैसे अपनी प्यास को बुझा पाऊंगी। फिर 10 कॉन्क्रीट वर्ड्स आपको क्या लिखना है वेटिंग के बारे में, वो है थर्स्ट, खूबसूरत वर्ड्स, और डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका वेटिंग किस तरीके का है, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या, कॉन्क्रीट नाउन्स। देन थ्राई थ्रोट, देन स्ट्रेंड आइस, स्ट्रेंड आइस पता चला आपको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तनाव भरी। देन इम्पेशियंस, क्लाउड्स गैदरिंग और वाटर प्योरिंग, ये सब क्या है, स्क्वेंच। फिर आएगा प्योरिंग स्क्वेंच लॉन्ग वेट डिसअपॉइंटमेंट, एंड लास्ट में आएगा ब्लीस। तो इस तरीके से आपको ये 10 कॉन्क्रीट नाउन्स लिखने हैं, समझ में आया नाउ। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एटलीस्ट 5 स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स, आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स लिखने हैं 5, किस लिए, फॉर द थिंग विल यू डिस्क्राइब, जो आपने चीज़ें बोली है या लिखी है डिस्क्राइब की है वो चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे 5 स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स लिखने हैं। जैसे तो आप कैसे लिखोगे कि द 5 स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स आर एज फॉलोइंग, आएगा पहला आएगा रन आउट, फिर आएगा वुबल, रन आउट होगा, फिर आएगा वुबल, वुबल यानी लड़खड़ाना, ठीक है, फिर अपियर, अपियर अपियर के बाद आएगा डाई ऑफ, डाई ऑफ यानी बलिदान देना, ठीक है, देन रन थ्रू, रन थ्रू का मतलब क्या होता है, माध्यम से चलना, धीरे धीरे चलना, और विट आउट यानी समझ से बाहर, विट आउट का मतलब क्या होता है, ये जो पोएम है मेरे बिल्कुल समझ से बाहर ही है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये आज मैं यहाँ तक ही करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी 8 और 9 करवाऊंगी, ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनो, समझो, नहीं समझ में आता है तो डाउट पूछो मेरे से पर्सनली नंबर पे, ओके, पर्सनली नंबर पे पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, टेक केयर, हैव अ टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।